इंदौर के एरोड्रम इलाके में मारवाड़ी अग्रवाल कॉलोनी में नगर निगम की टीम अवैध निर्माण ढहाने पहुंची थी। कार्रवाई की सूचना पर लोगों ने हंगामा कर दिया। इसी दौरान पूर्व मंत्री और महू से विधायक उषा ठाकुर भी पहुंच गए और उन्होंने बुलडोजर कार्रवाई को रुकवा दिया। उन्होंने कहा कि यह न्याय नहीं है, लोगों के पास रजिस्ट्री है और वो टैक्स भी भरते हैं, ऐसे में उनके घर कैसे तोड़ दिए जाएंगे। वहां के लोगों ने उषा ठाकुर से कहा कि वार्ड नंबर 14 के बीजेपी पार्षद अश्विनी शुक्ला कॉलोनी को बचाने के लिए प्रति घर 5-5 लाख रुपए मांग रहे थे, नहीं देने पर उन्होंने झूठी शिकायत की। जवाब में पार्षद शुक्ला ने जो लोग हंगामा कर रहे थे वे खुद कॉलोनाइजर से जुड़े हुए हैं। ये कॉलोनी इंदौर 1 विधानसभा क्षेत्र में आती है, जो नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय का क्षेत्र है, जबकि ठाकुर महू से विधायक हैं। इस कॉलोनी में विधायक ठाकुर के भाई पार्टनर बताए गए हैं। इस प्रकार से आतताईपूर्ण तरीके से कार्रवाई करना, ये ना तो नागरिकों के हित में है और ना सरकार के। मैं बिल्कुल सीएम को मैंने भी फोन लगाया है, जो बात होगी मैं उनको विषय बता रही हूँ। ये अवैध कॉलोनी है, तो इस पे अवैध कॉलोनी के ऊपर कार्रवाई करने आए थे, ऊपर से निर्देश मिले थे, तो अवैध कॉलोनी कार्रवाई 30-35 मकान है लगभग, इनको नोटिस दिया था 5-7।